हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। स्टैटिक जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर आज हम उड़ीसा के सारे फैक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब तक टोटल हमने 14 स्टेट कंप्लीट कर लिए, ये हमारा 15 स्टेट रहेगा। वीडियो को पूरा सुना करो, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिले तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट के अंदर 14 के 14 स्टेट वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, वहाँ जाके आप अपनी स्टैटिक जीके कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन भी होंगे तो उन क्वेश्चनों को रिवाइज करा रही हूँ मैं, ऑलरेडी वो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, वहाँ से भी आपको काफी बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले उड़ीसा के कैपिटल, सीएम और गवर्नर हमें याद होने चाहिए। उड़ीसा के वर्तमान में कैपिटल, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? कैपिटल हमेशा सेम ही रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम और गवर्नर कौन है? वीडियो बना रही हूं मैं आज, यानी कि 21 मार्च 2020 को मैं वीडियो बना रही हूं। आज की डेट के अनुसार मैं सीएम और गवर्नर आपको बता रही हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप वीडियो अगर बाद में सुनो तो उस टाइम का सीएम और गवर्नर आपको पता होना चाहिए, या डेली आप करंट अफेयर सुना करो। जैसे जब मैंने मध्य प्रदेश की वीडियो अपलोड करी थी तो मध्य प्रदेश के सीएम थे कमलनाथ। अब जो है अगर आप न्यूज़ सुनोगे करंट अफेयर की, तो जो कमलनाथ जी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो भी न्यूज़ सीएम बनेंगे वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो जब भी आप वीडियो सुनो उस टाइम का सीएम और गवर्नर आपको चेक जरूर कर लेना है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश की तो डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको करा रखी है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, हमेशा भुवनेश्वर ही रहेगी। सीएम कौन है वर्तमान में इसके? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गवर्नर को राज्यपाल बोलते हैं, सीएम को मुख्यमंत्री बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सीएम बनने के लिए मिनिमम आयु 30 साल चाहिए और गवर्नर बनने के लिए 35 साल चाहिए, और इनकी मैक्सिमम आयु यानी रिटायरमेंट आयु कोई भी नहीं होती है। रिटायरमेंट आयु दो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की और हाई कोर्ट के जज की। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु होती है 65 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु होती है 62 साल, ठीक है? और पूरे भारत में वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है, और जो 25वां हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती के अंदर ओपन हुआ है। आ गया समझ में इतना? उसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पे? 30 टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ओडिया यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फॉर्मेशन कब हुआ था उड़ीसा का? तो 1 अप्रैल 1936 को। इसी दिन को हम उत्कल दिवस के रूप में भी मनाते हैं और उड़ीसा डे के रूप में मनाते हैं। बहुत बार पेपर में आया है उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर आएगा उसका 1 अप्रैल। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 21 है, और राज्यसभा सीट कितनी है यहाँ की? 10 है। किसी भी इन्फॉर्मेशन पर कोई भी डाउट हो, क्योंकि जो उड़ीसा वाले बच्चे वीडियो देखते हैं उनको अपने उड़ीसा के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ओके? नेक्स्ट है बॉर्डर शेयर फ्रॉम स्टेट। उड़ीसा का जो बॉर्डर है कितने स्टेट से शेयर होता है? तो टोटल आंसर आ जाएगा 4 स्टेट से शेयर होता है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर और एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है तीनों के तीनों। पूरे विश्व का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? अभी काइबू लैमजाओ नेशनल पार्क। बहुत बार मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है। काइबू लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर के अंदर है, और कौन सी झील पर है? तो लोकटक झील पर है, ठीक है? याद रखने सारे के सारे नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल के अंदर है। पिन वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगर आप चीज़ों को लिंक करके याद करोगे तो ट्रिक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है लोकसभा सीटें, लोकसभा और राज्यसभा सीटें तो हमने करी ली, 21 और 10 होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पहला है यहाँ पे चंडक्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चंडक्का एलिफेंट सेंचुरी, कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल 3 यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है। डांस कौन सा हो जाएगा? क्लासिकल डांस और फोक डांस, दो प्रकार के डांस होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्लासिकल डांस है? उड़ीसी यहाँ का क्लासिकल डांस है। उसके बाद डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है यहाँ के, सबसे पहले है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है? महानदी पर है, और कहाँ पर बना हुआ है? उड़ीसा में। हर पेपर में लगभग ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद है इंद्रावती डैम, इंद्रावती नदी पर है। टेम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ के, यहाँ पे 2 मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन ये रहेगा, आप मुझे बताओगे कि जो न्यू इंडियन करेंसी है, जैसे 10 रुपए का नया नोट है, 20 रुपए का नया नोट है, 50 रुपए का नया नोट है, मैंने सारी इंडियन करेंसी आपको करा रखी है, अलग से भी वीडियो बना रखी है। आप चैनल पे जाके अगर लिखोगे न्यू इंडियन करेंसी बाय पूजा गर्ग मेरे नाम से लिखोगे, या बाय मिशन गवर्नमेंट जॉब लिखोगे, तो भी सारी इंडियन करेंसी आ जाएगी। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है उसके ऊपर भी, और मैंने क्वेश्चन के अंदर भी आपको करा रखा है। तो कोणार्क सन टेम्पल भारत में कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। इसी को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से
से जानते हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो कितने रुपए के नोट पर है। जैसे 2000 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर किसकी इमेज है, मंगलयान की इमेज है, उसी प्रकार से आपको बतानी है कितने रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे कौन कौन सा न्यूक्लियर और थर्मल है, तो यहाँ पे एक है हीराकुंड कैपेटिव पावर प्लांट और एक है तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो ये उड़ीसा की सारी डिटेल थी। अब हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि हर वीडियो में हम रिवीजन करते हैं। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों को डिटेल में सुनना है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप इनको डिटेल में कवर कर सकते हो, यहाँ सिर्फ मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। ओके, तो सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सार्क का एक सचिवालय है, सार्क के सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तब आपने आंसर क्या देना है, 1987। ओके, धान के कटोरे के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है, तो धान का कटोरा किसे बोला जाता है, छत्तीसगढ़ को बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, तो भारत का पेरिस किसे बोलते हैं, हम जयपुर को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रीय गीत को गाने में लगता है 65 सेकंड। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं, और राष्ट्रीय गान जनगणमन है उसको गाने में लगते हैं 52 सेकंड। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, उसके बाद ओस इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होती है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है ओस इंडेक्स एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, और यूएसए अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। तुतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो तुतीकोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो ये नर्मदा नदी पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है, तो आंसर आ जाएगा तुलसीदास। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब आता है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे आता है 11 मई को। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, गुआम की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो दो क्वेश्चन हो गए, जल्दी से नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो। ओके, तो यही हमारी आज की वीडियो थी, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।